खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। केरल में मॉनसून ने दस्तक दे दी है और पूर्वोत्तर भारत के भी कुछ इलाकों तक मॉनसून पहुंच गया है। अब इंतजार है मेघालय और असम में मॉनसून के पहुंचने का। और फिलहाल आपको मेघालय की राजधानी शिलोंग की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर एकाएक बादलों ने पूरे शिलोंग को घेर लिया है। दरअसल ये एक व्यू पॉइंट है जहां से शिलोंग शहर दिखता है। फिलहाल ये जो धुंध छाई हुई है, जो बादल एकाएक इस घाटी में भर गए हैं, उसके चलते शहर आपको तस्वीरों में नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इस मौसम का जो लुत्फ है वो लेने के लिए जो खास तौर से ऐसे जगहों से लोग आए हैं जहां पर फिलहाल गर्मी पड़ रही है, वो भी रुक कर यहां तस्वीरें खींच रहे हैं। मैम कहां से आए हैं आप लोग? हम लोग बॉम्बे से आए हैं, मुंबई। मुंबई और यहां का वेदर कितना फर्क है? बहुत ड्रेस्टिक डिफरेंस है, क्योंकि जब हम लोग बॉम्बे से निकले थे तो बॉम्बे वॉज बॉयलिंग, और अभी यहाँ पे ऐसा लग रहा था वी आर इन द चिल्ड वेदर, और जहाँ पे कोई गर्मी नहीं है, टपकता हुआ पसीना नहीं है, आराम से क्लाउड्स में हम घूम रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले तक वहाँ पे क्लाउड्स पूरा सिटी को उधर तक कवर कर रहे थे, अभी धीरे 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 क्लाउड्स पूरा इधर आ गए, ऐसा लग रहा है वी आर ओनली फ्लाइंग इन द क्लाउड्स राइट नाउ। फील करें तो हल्की सी बूंदे पड़ना शुरू हो गई, और अभी ऐसा लग रहा है कि हम हेवन में हैं। और सबसे बेस्ट तो ये लग रहा है कि मेंटल जो स्ट्रेस था ऐसा सब रिलीफ हो गया है, बस और कुछ नहीं, कि मतलब आप एकदम स्ट्रेस फ्री फील कर रहे हो। मुंबई की जगह अभी मेघालय में बसने का मन कर रहा हूं। हाँ वही कर रहे, एग्जैक्टली 5 मिनट पहले ही मैं उसको यही बोल रही थी कि यार हम लोग कहाँ रह रहे हैं, लेट्स कम एंड सेटल डाउन हियर, इट्स अ हेवन। अब मेघालय तक भी मॉनसून पहुंचने वाला है, तो मॉनसून की बारिश भी अगर आप लोग तब तक रुके तो शायद आप फील कर सके। यस आई थिंक हम लोग एक दो दिन है तो पता चल जाएगा शायद, अगर बारिश आ गई तो आज ही फील हो जाएगा। वैसे ही स्टार्ट हो गई है बूंदे, धीरे धीरे बरस ही रही है, तो देखिए अभी शायद अभी बारिश का जो मजा है वो भी मिल जाए, क्योंकि बूंदे यहाँ पर पड़नी शुरू हो गई है। और ये वो तस्वीर है दरअसल जिसकी वजह से मेघालय को जाना जाता है, कि किस तरह से बादल जो है वो एकदम से उड़ते हुए पूरी घाटी को भर लेते हैं। और इसका सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए ये एक अनोखी बात होती है जो ऐसी जगहों से आए हैं जहाँ पे फिलहाल बहुत गर्मी पड़ रही है, और इसी तस्वीर को देखने के लिए लोग रुक रुक कर ऐसे व्यू पॉइंट्स पर तस्वीरें लेते हैं। और साथ ही हल्की अब चूंकि बारिश की शुरुआत भी हो रही है, तो जल्द ही जैसा कि मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि कुछ एक इलाकों में पूर्वोत्तर भारत के मॉनसून पहुंच चुका है, और कुछ एक दिनों में तकरीबन 2 से 3 दिन के भीतर ये संभावना जताई जा रही है कि मेघालय और असम तक भी मॉनसून पहुंच जाएगा। कैमरा पर्सन अजीत चाको के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज शिलांग।